हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे कैम्ब्रियोर के स्ट्रक्चर की और इसके जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे। सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन देखें, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, उसके बाद ग्रुप इसका क्या है, क्रेनेटा, सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, डिवीजन नेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास है रेप्टिलिया, ऑर्डर है स्क्वामेटा, सब ऑर्डर लेसर्टिलिया, जीनस है कैमेलियन। सबसे पहला हम देखें इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, भौगोलिक वितरण को। कैमेलियन हैज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, संसार में कैमेलियन जो है वो पाया जाता है। इट इज फाउंड इन अफ्रीका, मेडागास्कर, साउथन अरेबिया, स्पेन, यूरोप, एशिया, साइरिया, इंडिया एंड श्रीलंका। हाँ, कहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीका के अंदर होता है, साउथन अरेबिया के अंदर, स्पेन के अंदर, यूरोप के अंदर, एशिया और इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है, मेडागास्कर में भी पाया जाता है। हैबिटेट, हैबिटेट की बात करें स्वभाव और आवास की, तो ये कैसा होता है, वृक्षाश्रय होता है। इट इज अबोरियल एम्फीडोन इंसेक्ट, कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। देन हम यहाँ पे बात करें कमेंट्स की, तो कैमेलियन इज द मोस्ट फेवरेट डायऑप्सिडियन लिजार्ड, हैविंग कंप्रेस्ड बॉडी कवर्ड विद स्केल्स डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक ट्रंक एंड टेल। कैमेलियन जो है ये वृक्षाश्रय जो छिपकली है वो कैसी होती है, मोस्ट डायऑप्सिडियन लिजार्ड, मोस्ट फेवरेट, ठीक है, मोस्ट फेवरेट डायऑप्सिडियन लिजार्ड है और इसकी बॉडी जो है वो इसके शल्कों से आवृत होती है और चार भागों के अंदर इसका शरीर विभक्त होता है, हेड, नेक, ट्रंक और टेल, ठीक है, सिर, धड़, गर्दन और पूंछ में विभक्त होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो हेड हैज वाइडली माउथ, लार्ज आईज, स्मॉल नॉस्ट्रिल एंड बैकवर्डली डायरेक्टेड हुड एंड हेलमेट फॉर्मड बाय स्क्वामोसल एंड ऑक्सिपिटल बोन्स। सिर का भाग जो है कैसा होता है, इसका चौड़ा होता है जिसमें बड़ी आंखें होती है जो कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रही है, छोटे छोटे नासा चित्र होते हैं, नोस्ट्रिल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद शल्का अस्थि, स्क्वामोसल और अनुकपाल ऑक्सिपिटल अस्थियों के से बना हुआ उभरा, इसके ऊपर क्या होता है, सिर कवच पाया जाता है, हेलमेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट शरीर का जो भाग बड़ा भाग है वो क्या कहलाता है, ट्रंक कहलाता है, जो कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो कैसा होता है, कर्व शेप्ड होता है, मतलब कि कुछ मुड़ा हुआ होता है और मध्य पृष्ठ रेखा के साथ साथ कांटों की एक पंक्ति पाई जाती है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा स्पाइंस की जो है वो क्या होती है, एक पंक्ति इसमें प्रेजेंट होती है इसके अंदर, कैमेलियन के अंदर। देन हम बात करें इसके आईज जो है वो कैसी होती है, लार्ज होती है, बड़ी होती है आंखें। नेक्स्ट टिप्स ऑफ टंग क्लैम्प शेप्ड एंड म्यूकस कोटेड, टंग प्रोजेक्टाइल एंड कैन बी शॉर्ट सेवरल इंचेस बियॉन्ड हेड टू कैच इंसेक्ट और प्रे। जीवा का सिर जो है, सिरा होता है, वो कैसा होता है, गदाकार होता है और श्लेष्म लेपित होता है, म्यूकस से आवृत होता है। इसी के साथ साथ कीट जो है वो शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीवा को क्या करता है, जीव को सिर के अगले सिरे से कई इंच दूर तक फैला सकता है। उसके बाद एक्रोडोंट एक फाउंड ऑन मैक्सिलरी एंड मैंडिबल, एक्रोडोंट जो है अक्रदंत जो होते हैं वो कहाँ पे, जंबिका और चीहू की अस्थियों पर होते हैं। फोर लिम एंड हिंड लिम वेल डेवलप्ड, अग्रपाद और पश्चपाद इसके कैसे होते हैं, सुविकसित प्रकार के होते हैं। उसी के साथ साथ टो द टोज आर अपोज्ड फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस ऑफ ट्री, इसके जो अदांगुलियां होती हैं वो वृक्षों की शाखाओं को परिग्रहित करने के क्या होती है, अनुकूलित होती है, ठीक है। और दोनों उंगलियों के विपरीत तीन उंगलियां होती है, कैसी होती है, दोनों उंगलियों के विपरीत तीन उंगलियां होती है और अंगुलियों का यह संलग्न क्या कहलाता है, युक्त अंगुली, सिंडेक्टाइल कहलाता है, ठीक है, मतलब कि दो अंगुलियों के विपरीत होती है तीन उंगलियां और ये कहलाता है सिंडेक्टाइल। कुछ इसकी होती है टेल, प्रेरी, हेंसाइल एंड मिंट फॉर कॉइलिंग राउंड ब्रांचेस ऑफ ट्री, इसकी पूंछ कैसी होती है, परिग्राही प्रकार की होती है और वृक्षों की चार शाखाओं के चारों ओर लिपटने का कार्य करती है। इनके अंदर क्लोएका इज वेंट्रली सिचुएटेड, क्लोएका जो है क्या होता है, वेंट्रली सिचुएटेड होता है, वेंट्रली भाग में पाया जाता है। उसके साथ साथ लंग्स एंड इन सेवरल डाइवर्टिकुला और एयर सैक्स एंडिंग इन बॉडी, लंग्स जो होते हैं इसके फुफ्फू जो होते हैं इनमें कई वायु कोश होते हैं जो कि शरीर की गुहिका में फैला होते हैं, कर्णपटह और कर्ण गुहा का इनमें अभाव होता है। जैकबसन्स ऑर्गन एंड सेंसरी पार्ट ऑफ नोज एब्सेंट, जैकबसन अंग और नासिका के संवेदी भाग होते हैं उनका अभाव होता है। अब विशिष्ट लक्षण की बात करें, स्पेशल फीचर्स की बात करें तो कैम्ब्रियन आर फेमस फॉर चेंजिंग देयर कलर ऑफ द स्किन अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग,
मतलब कि अपने वातावरण के अनुसार ये क्या करता है, वायु को परिवर्तित करता है। उसके साथ आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो सिंस दिस रेप्टाइल कंटेन फोर सिमडेक्टाइल लिम्स पेरिनेंसाइल टेल एंड अबोव द फीचर्स हेंस इट इज कैम्ब्रियो। मतलब कि इसके अंदर सिर का जो भाग है उसमें जीभ कैसी होती है, बाहर की ओर निकली हुई होती है जो कि कीटों को पकड़ने में सहायक होती है, परिग्रही पूंछ होती है और युक्तांगली सिंडेक्टाइल जो है वो फिट पाए जाते हैं और यही इसको पहचानने का क्या है, उपयुक्त लक्षण है। तो आज हमने यहाँ पे बात की किसके कैमलियन की, ये आपके बीएससी थर्ड ईयर के अंदर भी है और उसी के साथ साथ किसके अंदर है, सेकेंड ईयर के अंदर भी है। सेकेंड ईयर में एज ए रेप्टाइल के अंदर और थर्ड ईयर के अंदर कौन से आरोही अनुकूलन के अंदर या स्कैम्सोरियल या अबोरियल या फिर वृक्षीय अनुकूलन के अंदर इसको ऐड किया गया है, ठीक है। कल के क्लास में अब हम नेक्स्ट स्पेसिमेन की बात करेंगे हाइला की, जिसके अंदर भी कौन सा आरोही अनुकूलन ही पाया जाता है। थैंक यू सो मच।